कातंत्र व्याकरण का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रकरण के अंतर्गत अदादि गण का प्रकरण चल रहा है और आज हमारे सामने लिहे आस्वादने, चाटना चखना, ये धातु हमारे बीच में आई है और हा है अंत में और हा के स्थान पर आने वाले सूत्र से ढा आदेश हो जाएगा। जब ढा आदेश हो जाएगा तो पीछे हम जिन सूत्रों को पढ़े हैं घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोदा, उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। पीछे हमने दादेर घा सूत्र लगाया था, वहां पर हा के स्थान पर घा आदेश किया था, अब यहाँ पर हा के स्थान पर ढा आदेश करेंगे और ढा आदेश होने पर जो पीछे काम करते चले आए हैं पूरे के पूरे वही काम हमारे सामने होंगे। केवल एक प्रयोग जो अगुणी प्रत्यय जब आएगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन के लिए विशेष सूत्र 709 नंबर का हमारे बीच में है। तो 709 नंबर के सूत्र को विशेष ध्यान से समझना है। 708 नंबर का सूत्र तो केवल हा के स्थान पर ढा आदेश करता है। तो हमारे सामने लिए आस्वादने, लिए धातु उभय पदी है, हम परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। लिए आस्वादने धातु से वर्तमाना के परस्मै पद के प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आए हैं। लिए धन ती, तीन काम अनिवार्य रूप से होते हैं, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक। अब हमने लिए धातु का अनतिक्रम्य विश्लेषित करेंगे तो ला धन ई धन हा धन ती, और उपदा में लघु नामी है, उपदा में लघु नामी होने से नामी नस चोप धाया लघु, ये सूत्र से ई के लिए गुण हो जाएगा ए। अब स्थिति है हमारी ला धन ए धन हा धन ती। अब मेन सूत्र आता है हमारे सामने जो सामने खुला हुआ है हो ढा, हो ढा, यह सूत्र हमारे बीच में आ गया और ये सूत्र कहता है कि धातु में रहने वाला जो हकार है उस हकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है सामने झुट पड़े रहने पर। विशेष ध्यान रखिएगा, झुट होने पर कह रहा है, सभी कुछ होने पर नहीं। तो झुट किसे कहते हैं? अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर शेष वर्ण झुट कहलाते हैं। तो ये धुट क्या है? ती जो विभक्ति है वो धुट है, उस ती के होने पर हा के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा, हो ढा। सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट है, हो ढा, हा के स्थान पर ढा आदेश होता है। अब हमारी स्थिति है ला धन एड धन ती, फिर वही पुराना सूत्र बढ़िया वाला घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा, ये सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ला धन एड धन धी, अब अगला सूत्र लगेगा तवर्गस सटवर्गा तवर्गा, ये सूत्र से क्या कहता है कि तवर्ग का योग, तवर्ग कहाँ पर है? कहते धी में तवर्ग है, और टवर्ग कहाँ है? कहते जो ढा हा के स्थान पर ढा किया है वो टवर्ग है। तो तवर्ग के योग में यदि टवर्ग या चवर्ग हो तो तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है। तो टवर्ग आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके स्थान ढा के स्थान पर हो जाएगा ढा। अब दो ढा हमारे बीच में आ चुके हैं, एक हा के स्थान पर होने वाला ढा और एक धी के स्थान पर होने वाला ढा। माने पहले ती था, ती को धी किया, धी को ढी किया, अब आमने सामने ढाढा है। तो सूत्र लगता है, अगला सूत्र हमारे सामने आता है ढे ढेलोपो दीर्घस चोप धाया,
ये सूत्र का दो काम करता है। कहते सामने ढा पड़े हो तो पहले वाले ढा का लोप हो जाता है, और यदि कोई ह्रस्व वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाता है। अब यहां पर हमने नामिनस चोपधाया लघो से ई के लिए गुण कर दिया है। अब ई के लिए गुण हो गया है इसलिए यहाँ पर दीर्घ पहले से ही है। यदि यहाँ पर ह्रस्व होता तो उसको दीर्घ भी कर दिया जाता, परंतु यहाँ पर दीर्घ है इसलिए केवल एक ही काम करेगा कि जो हा है, जो हा के स्थान पर ढा आदेश किया था उसका लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति ला ए और ढी। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा लेढ़ी। लेढ़ी पहला प्रयोग सिद्ध हो गया, सूत्र के नीचे लिखा हुआ है लेढ़ी। अब दूसरा प्रयोग जो बनाना है वो हमको बनाना है लीढ़ा। अब लीढ़ा कैसे बनाना है तो अब ध्यान रखना है, इसमें दो काम होने हैं। एक काम होना है नया, इसमें लगना है दुत्त बहुत्योश्च परस्मै नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु दुत्त बहुत्योश्च परस्मै सूत्र से गुण का निषेध होकर ये सूत्र पूरी तरीके से लग जाएगा ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया। ये तो पूरा काम द्विवचन में पूरा का पूरा ये सूत्र लगेगा। लिए धंतस पहला काम अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, दूसरा काम अदादेर लुक विकरण से अदादिगण में रहने वाले विकरण का लुक होता है, फिर अनतिक्रमण करेंगे तो नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति, दुत्व बहुत्योश्च परस्मै सूत्र से गुण का निषेध। अब आया सूत्र हो ढा, हा के स्थान पर ढा आदेश करता है। अब हमारी स्थिति है ला धन ई धन ढा धन तस। अब मुख्य सूत्र आता है पुराना घा ढा धा भेभ्यास ततोर दोधा। उस सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाएगा ला धन इड धन धस। अब अगला सूत्र तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। तवर्ग को अगर सकार और टवर्ग का योग हो तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होता है, तो जो हमने धी किया था उस धा के स्थान पर ढा हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ला धन इड धन धस। अब ये सूत्र जो लगा हुआ है ढे ढलोपो दीर्घस चोपदाया, ये पूरे अधिकार के साथ में लगेगा और जो सूत्र का अर्थ है वो दोनों काम करेगा। पहला काम जो लिए धातु का हा के स्थान पर ढा आदेश हुआ था है उसके ढा का लोप, और उसका जो पूर्व वर्ण ई है उसको उसकी उपदा जो है उसको दीर्घ कर देगा, तो ई जो थी वो बड़ी हो जाएगी। अब रसकारियोर विसृष्टः सूत्र अतिरिक्त लगेगा तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा लीढ़ा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत की सहायता से लीढ़ा। अब अंति प्रत्यय आएगा तो जो होडा सूत्र ने लगेगा, क्योंकि वो कहता है झुट होने पर होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अनविकरण करना है, अनविकरण का लुक कर देना है, अदादे लुक विकरण से लुक कर देना है, फिर नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति करना है, फिर दुत्व बहुत्योश्च परस्मै से निश्चित कर देना है, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा देंगे तो बन जाएगा लिहंती। अब आपको पापड़ बेलने लेक्षी में लेक्षी। अब लेक्षी में सावधानी से सुनिएगा, ये मध्यम पुरुष के एक वचन में बना हुआ है। अब इसमें कोई नए सूत्र नहीं लग रहे हैं, सब पुराने सूत्र लगेंगे, लेकिन पुराने सूत्र याद हों तो लगते चले जाएंगे, याद नहीं है
तो आपके पास में सामग्री पर्याप्त पहले से मिली ही गई है। तो लिए धन सी, सबसे पहला काम अन्न विकरण कर्तरी, दूसरा काम अराधे लुक विकरण से विकरण का लुक, तीसरा काम अनतिक्रम्यन विश्लेषित, अलग अलग कर दीजिए ला धन ई धन हा धन शी। फिर उसके बाद में आया नामिनस चोप धाया लघो, उससे गुण ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। फिर अगला सूत्र लगेगा होडा, होडा सूत्र से ढकार के स्थान पर आ के स्थान पर ढकार आदेश हो जाएगा। ला धन एड धन सी, पुराना सूत्र ध्यान रखेंगे सढ़ो का से, सा और ढाके स्थान पर का होता है, सा पड़े रहने पर सढ़ो का से, सा और ढाके स्थान पर का होता है सा पड़े रहने पर, तो यहाँ ढाके स्थान पर का आदेश हो जाएगा ला ए का सी। अब सूत लगा नामी कर पराहा प्रत्यय विकारागमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी। ये सूत्र से क्या करेंगे, कहते का के सामने दंत सकार है तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर दिया जाएगा, ला धन ए धन का धन सी। फिर सूत्र है कासा योगे छा, वो कासा योगे छा के माध्यम से प्रयोग सिद्ध हो जाएगा लेक्षी ही। अब द्विवचन में थस प्रत्यय आएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, लीढ़ा जैसा प्रथम पुरुष का एक वचन हमने चलाया था तस भक्ति लाए थे, यहाँ पर थस लाएंगे, काम एक ही होता है ताओ था के स्थान पर था आदेश, तो बन जाएगा लीढ़ा। फिर बहुवचन में था प्रत्यय लाएंगे, इसमें रस अकारी और विश्रेष्टा भी लग जाएगा, फिर था प्रत्यय लाएंगे, था में कुछ नहीं करना है, जैसा हमने तस विभक्ति में काम किया था वैसे ही काम हो जाएगा। अब उत्तम पुरुष में चलते हैं, मी विभक्ति लाते हैं, ये माँ धुट नहीं है, धुट नहीं होने के कारण होड़ा सूत्र नहीं लगेगा, केवल अन विकरण कर्तरी लगेगा, अदादे लुक विकरण से लगेगा, और नामिनस चोपदाया लघु हो, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, तो बन जाएगा लेहमी। द्विवचन में वस और मस प्रत्यय आएगा, दुत्व बहुत्योश्च परस्मै सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बन जाएगा लिहवाह और लिहमाह। इस प्रकार से लिए धातु के परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध होते हैं लेढ़ी लीढ़ा लिहंती लेक्षी लीढ़ा लीढ लेहमी लिहवा लिहमा। अभी उभयपदी धातु है तो उभयपदी धातु में ते प्रत्यय लाएंगे। अब ते प्रत्यय में क्या करना है, कहते हैं जे अगुणी प्रत्यय हो जाता है सर्वेशा मात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या, बस सारा का सारा काम पूरा का पूरा करना है अन विकरण कर्तरी से अन विकरण करना है। नंबर एक, नंबर दो अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक, अनतिक्रमियन, तीसरा काम नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति, चौथा काम सर्वे सा मात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या, इस सूत्र से गुण का निषेध। अब हमारी जैसी स्थिति थी वही हमारी स्थिति है, अनतिक्रमण कर लिया ला धन ये धन ते, अब सूत्र लगा हो ढा, हा के स्थान पर ढा आदेश हो गया, ला धन इड धन ते, अब ताके स्थान पर धा करना है तो घा ढा धा भेप्यास ततोर धोदा, सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश कर देंगे तो ला धन इड धन ते। फिर तवर्गस सटवर्गा टवर्गा, सूत्र से
धकार के स्थान पर धकार आदेश करेंगे तो बनेगा ला धन इड धन ढे। अब यही सूत्र जो लिखा हुआ है ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया, सूत्र से ढकार का लोप और जो पूर्व में रहने वाली ई है उसको दीर्घ करेगा, ये दोनों काम कर देगा, हृस्व को दीर्घ करेगा, दीर्घ को दीर्घ नहीं करता। तो ला धन ई धन ढे और रसकार योर विसृष्टा, रकार और सकार को क्या करता है ढा करता है, तो इसमें रकार सकार है ही नहीं है तो ये नहीं लगेगा, तो बस क्या बन जाएगा लीढ़े, ये लीढ़े ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद में क्या आया आते, आते प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के पहले जो काम होते आए हैं वे काम तो करना ही करना है, क्या करना अन्विकरण कर्तरी, फिर क्या करना अदादे लुक विकरणस्य, फिर क्या करना नामिना चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, फिर क्या करना है सर्वेशा मात्मने सारो धातु के नुत्तमे पंचम्या, सूत्र से गुण का निषेध और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये लगाएंगे तो बनेगा लिहाते। अब अंत्य प्रत्यय आएगा, अंत्य प्रत्यय में सब काम करने के बाद आत्मने चा नकारात, इस सूत्र को और लगाना है अदादेर लुक विकर्ण से अनविकर्णा कर्तरी, अदादेर लुक विकर्ण से नामिनस चोपधाया लघो और सूत्र लगेगा आत्मने चा नकारात और उसके बाद में नाकार लोप हो जाएगा तो बनेगा लिहते। उसके बाद में फिर लिख से प्रत्यय आएगा तो जैसे अपन ने सी में काम किया था, अंतर इतना था कि वहां पर हमने गुण कर दिया था, शी विभक्ति आया था तो हमने बनाया था लेक्षी, लेकिन यहाँ पर से प्रत्यय है केवल गुण होना है, गुण का निषेध हो जाएगा, सर्वे सामात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या तो बनेगा लिक्षे, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लोक, व्यत्यानति क्रमेण करेंगे और उसके बाद में नामिनस चोपदाया लघो, सूत्र से गुण की प्राप्ति और सर्वे सामात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या, सूत्र से गुण का निषेध, जो स्थिति है वही की वही है ला धन ये धन से। अब सूत्र लगेगा हो ढा, हा के स्थान पर ढा, फिर सूत्र लगेगा सढ़ो का से, सा और ढा के स्थान पर का होता है सा के होने पर। अब स्थिति है ला धन एक धन से, अब सूत्र लगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, तो प्रयोग हो जाएगा कासा योग छा के माध्यम से लिखे। फिर आथे प्रत्यय आएगा तो जोड़ना है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये, लेकिन अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लोक, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, सर्वेशा सार्वधातु सर्वेशा मात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, सूत्र से गुण का निषेध और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये से जोड़ देना है तो बनेगा लिहाते। अब द्वे प्रत्यय आ रहा है, द्वे द्वे में ध्यान रखेंगे पुराना काम और नया काम दोनों काम मिलके होंगे, इसमें सबसे पहले अपने को लिए धातु से द्वे प्रत्यय लाएंगे, लिए धन द्वे, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लोक, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, सर्वेशा मात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध, फिर सूत्र आता है हो ढा, फिर उसके बाद में आता है तवर्गस सटवर्गा टवर्गा, सूत्र से जो द्वे का धा है उसको ढा आदेश कर देंगे,
फिर ये सूत्र लगेगा हमारा ढे ढलोपो दीर्घस चोप धाया, ये सूत्र लगेगा तो जो पहले वाला धा है उस हा के स्थान पर किया जाने वाला जो ढा है उसका लोप हो जाएगा और उसकी उपदा का जो हिरस्व है उसको दीर्घ हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी ला धन ई धन ढुए। अब व्यंजन मश्रम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो बनेगा ली ढुए। अब उत्तम पुरुष के एकवचन में ए विभक्ति आएगी। अब कुछ नहीं करना है केवल व्यंजन मश्रम परवर्णम नहीं, लेकिन इतना करने के पहले हमें अन्य विकरण कर्तरी करना है, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक करना है और उसके बाद में नामिनस चोपधाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति करनी है और सर्वे सा महात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करके लिहे बनाना है। अब द्विवचन में क्या बनाना है लिहवाह, बस विभक्ति आएगी। यहाँ पर आपको नया सूत्र लगा देना है रसकारियोर विश्रष्टा, रसकारियोर विश्रष्टा लगा देना है तो बन जाएगा लिहवे। तो यहाँ पर लिहे आएगा फिर बहे आएगा बहे, तो बहे में रसकारियोर विश्रष्टा नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है केवल गुण का निषेध करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जोड़ देने का है। अनविकरण कर्तरि से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक और नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति और सर्वे सामात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध और बन जाएगा लिए वहे। ऐसे ही महे प्रत्यय के आने पर बनेगा लिए महे। तो इस प्रकार से लिए धातु की वर्तमाना के परस्मात्मने पद का प्रयोग पूरा सिद्ध हो जाता है। लीढ़े लिहाते लिहते लिखे लिहाते लिढ़े लिहे लिए वहे और लिहे महे, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हम सप्तमी विभक्ति लाएंगे। सप्तमी विभक्ति में यात विभक्ति आती है यात। अब ये धुट नहीं है, धुट नहीं होने के कारण होड़ा नहीं लगेगा और शेष अन्य सूत्र भी नहीं लगेंगे। नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति है पर सप्तम में आमचे सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। बस अब अपने को कुछ नहीं करना है, सप्तमी विभक्ति में केवल जोड़ा जाता है और जोड़ते चले जाएंगे तो बनेगा लिहात लिहात लिहाताम लिहू। इसमें रसकारियोर विश्रष्टा लग जाएगा लिहू, फिर लिहिया फिर लिहाताम फिर लिहात फिर लिहाम फिर लिहाव फिर लिहाम। अब आत्मने पद में चलाएंगे तो उसमें केवल ईत आता है, ईत ईया ताम ईरन, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ते चले जाना है सबको। लेकिन काम अन्य विकरण कर्तरी लगाना है, अदादे लुक विकरण से लगाना है, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति करनी है और सर्वे सा महात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करना है तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा लिहित। अब केवल जोड़ते चलना है लिहित लिहिया ताम लिहिरन लिहिथा लिहिया थाम लिहिध्वम लिहिध्वम, फिर उसके बाद में लिहिय लिहिया वही लिहिया मही, ये प्रयोग आपके लिहिध्वम फिर उसके बाद में लिहिय और लिहि वही और लिहि मही, इस प्रकार से आपके प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब पंचमी विभक्ति में चलाने में कुछ नहीं है, जैसे हमने चलाया था क्या चलाया था लेढ़ी
ऐसे ही यहाँ पर लेडी की जगह बन जाएगा लेडू, और आशीषी तुयो तातण वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा लीढात। तो पंचमी की चर्चा शेष बाद में, क्योंकि तो अब इसमें कोई नए सूत्र नहीं लगने हैं। देखिए नीचे आ गया है अत जोहत्यादि गण, माने अदादि गण समाप्त और जोहत्यादि गण चलना है, तो नए सूत्र कोई नहीं लगने हैं। आप पंचमी में चला सकते हैं, यस्तनी में चला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगले सत्र में हम आपके बीच में पंचमी के और यस्तनी के रूप चलाएंगे चलवाएंगे। आप खुद चला कर आइए और कल बताइएगा पंचमी में कि क्या पंचमी में बनना है और क्या यस्तनी में बनना है। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, सबको वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। विश्रुत भैया जी दर्शन तो दीजिए, पहचान तो दिखाइए।